केवल आपसे इतना मांगते हैं कि इस घर में एक सुंदर सी दुल्हन ला दो प्रभु, इस घर की लक्ष्मी इस घर में ला दो प्रभु। अरिया काका, लो आ गया बुलावा, आशीर्वाद दो प्रभु। जय बजरंग बली। अरिया काका जी। मालिक, आपकी पूजा हो गई? हो गई। मेरा नाश्ता लगा दीजिए। ठीक है मालिक। राहुल, राहुल जी। भैया आंच ले, बस निकल रहा हूं। एक मिनट, तुम्हारी फ्लॉपीज का? फ्लॉपीज मेरे। देखो इस बार एमईए में टॉप करना है। डेफिनेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय जितेश। भाई भैया, ताई कहाँ है? ताई नॉट देयर। नॉट देयर। देखो ताई को जेब में नहीं रखा जाता, कॉलर में लगाया। और सुनो, आज मिस्टर वर्मा आने वाले हैं, जरा खातिर वातिर करना। आई विल जॉइन यू इन अ मिनट। ओके, बी फास्ट भैया। हां बाय। सोनिया। हाँ भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। अगर किसी दिन तेरा भाई घर पे ना हो तो तू आंखें नहीं खोलेगी? नहीं भैया। चलो चल ब्रेकफास्ट कर ले। वो तो मैंने कर लिया भैया, आज मेरी कंप्यूटर क्लासेस है ना। यस। मैं छोड़ दूँ? नहीं भैया, आपको तो बहुत देर लग जाएगी, मेरे क्लासेस मिस हो जाएंगे। तो ऐसा कर, ड्राइवर को ले जा और उसे कहना डायरेक्ट ऑफिस में आ जाएगा। हाँ, और आप भैया? आई विल कैब इट। थैंक यू सो मच भैया। बाय बाय। और हाँ भैया, आपको याद है ना शाम को खंडाला जाना है प्रतिभा की शादी में? ऑफ कोर्स। आई विल बी वेटिंग। बाय बाय। ये लो बचुआ, अब तुम भी नाश्ता कर ही लो। जिस तरह तुम राहुल, सितेज और सोनिया बिटिया का ख्याल रखते हो, ऐसा लगता है जैसे वो अभी तक बच्चे हैं। काका, वो तो हमेशा मेरे लिए बच्चे रहेंगे, जैसे मैं हमेशा आपके लिए बच्चा रहूं। तुम अभी बच्चे नहीं रहे मेरे लिए, बड़े हो गए हो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, बल्कि कुछ समय बाद वो उम्र भी निकल जाएगी। काका आप तो जानते हैं, मम्मी पापा के मरने के बाद मैंने इनको बड़ा किया, मेरे लिए तीनों मेरे बच्चे हैं। लेकिन जो शादी करके इस घर में आएगी उसके लिए ये मेरे बहन भाई होंगे, बच्चे नहीं। तो बचुआ, किसी ऐसी लड़की से काहे नहीं ब्याह करते जो भाभी और माँ मिलकर भाभी माँ बने। अरे काका, आजकल के जमाने में ऐसी औरत कहाँ है। हमारी हर बात मजाक में टाल देते हैं। अरे पागल तो हम हैं जो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। या प्रीति, मैं था इनका मनीष को याद नहीं आए तो नहीं, ये पेपर्स देते रहे। ओके सर। हाँ वेट। रिया मैडम आई? हाँ आई है, उनके मम्मी भी उनके साथ हैं और वो बास के केबिन में। I don't believe this. You don't believe what sir? रिया तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो हमारी कंपनी का तुम्हारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है और हम तुम्हें एज अ फैमिली गर्ल प्रमोट कर रहे हैं और तुम इस तरह की तस्वीरें खिंचवाती हो कैलेंडर की। आपकी एजेंसी रिया को नहीं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। और वैसे भी ये कैलेंडर करके मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ा है। बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, बात एथिक्स की है, सम्मान की है। तुमने इस तरह की तस्वीरें खिंचवाकर हमारा कैंपेन मिट्टी में मिला दिया। एनीवे व्हाट्स रॉन्ग इन दीस पिक्चर्स?
क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहना करती। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं सर। मिस्टर सागर, मिस्टर ओब्राय के साथ मेरी बेटी ने सिर्फ एक बार काम किया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस ऑफिस में ओब्राय का नाम नहीं लिया जाएगा। नो, आई सी, अब मैं समझी। आपको रिया की इन फोटोग्राफ से कोई एतराज नहीं है, मगर आपको प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि ये फोटोग्राफ्स मिस्टर ओब्राय की एजेंसी ने खिंचवाए। मैंने कहा ना, इस ऑफिस में ओब्राय का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं आज ही रिया का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूं। मिस्टर सागर, लिसन टू मी, अगर आप चाहे तो आज के बाद रिया ओब्राय के कंपनी में काम नहीं करेगी, और वैसे भी आपके साथ हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं चाहूं तो आपको कोर्ट में घसीट सकती हूं। मिस्टर शर्मा, आप इसी वक्त रिया का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। अरे, आपको जो कुछ करना है कर सकते हैं। गेट द हेल आउट ऑफ माय ऑफिस। आउट। लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? गेट आउट। रिया, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है सर। रिया, ये क्या बदतमीजी है? रिया, बदतमीजी हमने किया या तुम्हारे भाई ने? मैं उनकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। आंटी, आप तो जानती हैं जब भैया को गुस्सा आता है तो आपने होश खो देते हैं। I'm sorry, आंटी। सॉरी मत बोलो बेटा, तुम तो जानते हो मैंने कभी भी अपनी परवाह नहीं की, मगर मुझे दुख और अफसोस इस बात का है। तुम्हारे भाई ने रिया की बेइज्जती करके तुम्हारे खुद की और तुम्हारे खानदान की बेइज्जती की है। लेकिन आंटी, भैया तो मेरे और रिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं। वी नो दैट क्षितिज, लेकिन तुम उन्हें कब तक अंधेरे में रखोगे? तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? तुमने तो भैया का गुस्सा देखा ही है। कोई भी सही बात गलत वक्त पे की जाए तो कैसे बिगड़ते हैं तुम जानती हो। मैं सही वक्त की तलाश में हूँ। ठीक है क्षितिज, लेकिन इतना ख्याल रहे कि उस सही वक्त की तलाश करते करते कहीं तुम मुझे ही ना खो दो। या प्लीज ऐसा मत कहो। हेलो। हेलो भैया। हाँ सोनिया बोल रही हूँ भैया। हाँ सोनिया बोलो। भैया आपको याद है ना शाम को शादी पर जाना है? अरे भैया मुझे याद है, मैं 10 मिनट वहां पहुंचता हूँ। ओके। How dare he? उस सागर भैया की हिम्मत कैसे हुई हमें अपने ऑफिस से निकालने की? वो उसका ऑफिस है, उसकी हुकूमत चलती है वहां पर। रिया, आज मेरी एक बात समझ में आई, तुम्हें अपने मुकाम से बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा ताकि सागर की बातों का जवाब दे सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और रिया तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं हर मुश्किल को आसान कर दूंगी मामा। अच्छा, तो सागर ने जिस तरह तुम्हें बेइज्जती करके ऑफिस से निकाल दिया, उसी तरह उसके भाई को अपनी जिंदगी से निकाल दो मामा। अरे आशुतोष भाई, वो कस्तूरी अवन के लिए एक नई मॉडल ढूंढ लो, वक्त बहुत कम है और मैं भी 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मगर भैया, एंड आल्सो ये अपना अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दो कि रिया का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, वी डोंट हैव एनीथिंग डू विद दैट वुमन। भैया मैं यही जानना चाहता था, क्या ये जरूरी है कि हम रिया का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें? यस, इट्स माय डिसीजन। आई नो दैट भैया, पर भैया रिया एक बहुत अच्छी मॉडल है, उसे निकालना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान उससे हो चुकी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन बनाई किसने? हमने। क्रेडिट मॉडल को नहीं जाता, क्रिएटिव टीम को जाता है, और कोई भी मॉडल एजेंसी प्रमोट नहीं करती, एजेंसी मॉडल को प्रमोट करती। डू यू अंडरस्टैंड? आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी मोर, यहां डिसीजन मैं लेता हूं। तुम अभी अभी ऑफिस में आए हो, मैं जानता हूं किसको कैसे हैंडल करना। रिया इज आउट एंड दैट्स फाइनल। मामा, मैं सिद्धिज के साथ रहकर भी अपना मकसद पूरा कर सकती हूँ। क्षितिज के साथ रहकर?
यानी सागर मेहरा खानदान की बहू बनकर, सागर मेहरा खानदान की बहू बनने के बाद मॉडलिंग के प्रोफेशन को गुड बाय कहना होगा, ये जानती है तू? मैं क्या करूं मामा? रिया, तुम उसके खानदान की तस्वीर बदल दो। मगर कैसे? तो मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करना। जाओ बेबी, वॉश ले लो। मैं तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खूबसूरत देखना चाहती हूँ। ओके? जी मामा। हेलो मिस्टर ओब्राय, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये ममता है, मेरी प्यारी सी बहना। हेलो। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन, आपके लिए कॉल है। ओह थैंक्स। हेलो सर, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। वो टेंडर भरना था सर। व्हाट द हेल डू यू मीन? जी सर, वो क्या है कि आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। मुझसे बात नहीं हुई? खन्ना साहब, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो कंपनी बंद कर देंगे क्या? अगर मेरी मौत हो गई तो काम बंद कर देंगे? What the hell is going on? Now get those damn forms filled and get the quotation sent immediately and report back to me. Yes. Relax सागर, relax. इस तरह का टेंशन तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Try to understand. पर तुमको पता है खन्ना क्या कह रहा था? ओहो, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस तरह के कॉल तुम्हारी जान के दुश्मन हो सकते हैं। तुम यहाँ खुशियां मनाने आए हो सागर, बिजनेस करने नहीं। Why don't you enjoy life? तुम अपनी जिंदगी को अनफिल्ड कोटेशन मत बनाओ, जीना सीखो, जीना सीखो सागर। डॉक्टर सागर, forget it. वो मैं खिड़की अभी अभी आई थी धोबी को लेकर, पदा टांग ने क्या? नहीं नहीं, पदा अभी अभी आया था। पर्दा खुद नहीं, मतलब मतलब धोबी अभी अभी आया था पदा लेकर खिड़की में टांगने, हम लोग पदा टांग रहे थे। वो अभी अभी गई है। कौन? वो सोनिया। ओह, सोनिया आपके साथ थी? हां जी जी, थैंक यू मिस ममता। ओह यस, आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था, लेकिन खाना आपने वाकई बहुत अच्छा बनाया था। आपने कहाँ खाया? जी वो दरअसल वो मैनेजर का फोन आ गया था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो, हाँ मैं सागर साहब का मैनेजर बोल रहा हूँ, आप उन्हें फोन दीजिए। वो इस वक्त सो रहे हैं, मैं उन्हें अभी फोन पे नहीं बुला सकती। देखिए इट्स वेरी अर्जेंट, उनको आप जगा दीजिए। आई एम सॉरी, आप कल फोन कर लीजिए। देखिए इट्स वेरी अर्जेंट।
बाबुल खड़ा रोए रे, मैं हूँ आंचल ममता की छाँव में, मैं हूँ आंचल ममता की छाँव में। ममता तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ। और घर संवारना? आता है थोड़ा बहुत। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना, वो तो हर हिंदुस्तानी नारी को आता है। हर हिंदुस्तानी नारी को, और तुम हिंदुस्तानी हो यानी कि तुम्हें भी आता है। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ ममता, हाँ? तुम्हें घर चलाना आता है? पेपर का बिल और राशन का बिल वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ आता है, लेकिन पूछ क्यों रही हो? क्या करूँ, मेरी माँ नहीं है ना, तो बड़ों का फर्ज मुझे ही निभाना पड़ता है। मतलब? मेरी भाभी बनोगी? भैया इतना हुनर इनके पास कि जी करता है उन्हें अपने साथ ही ले चलो। Excuse me. Hello. सर मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ कहिए शर्मा जी। सर हमको कल फैक्स भेजना था कि हम नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। तो आपने फैक्स क्यों नहीं किया? सर वो आपने जो खंडाला का फोन नंबर दिया था मैंने वहाँ फोन किया था, तो मैडम ने कहा कि आप सो रहे हैं, डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। Are you out of your mind, शर्मा जी? भाई आप लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? आप फौरन उन्हें फैक्स कीजिए और टेल देम दैट वी वांट द डैम जॉब एंड गेट बैक टू मी। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? कौन सा फोन भैया? ऑफिस से आया था भाई, यू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल। लेकिन मैंने तो कोई फोन रिसीव ही नहीं किया भैया। तो फिर किसने रिसीव किया? एक्सक्यूज मी, वो फोन मैंने रिसीव किया था। मैं जानती हूँ शायद वो फोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा नहीं। कल खाना खाते वक्त डॉक्टर बहन ने जो कुछ भी कहा था मुझे अच्छी तरह से याद है, और फिर आप यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, बिजनेस करने नहीं। आपका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, लेकिन छुट्टियों के ये पल, खुशियों के ये पल वापस कभी नहीं आते हैं। आप शायद कहेंगे ये सब कहने का या करने का मुझे क्या हक है, लेकिन जहां अपनापन होता है वहां हक लिया जाता है। फिर भी अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो गई हो तो आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। खाना लग गया। मुझको लेक्चर देती है? सागर क्या सोच रहे हो? डॉक्टर मैं सोच रहा था कि देखते ही देखते वक्त कैसे गुजर जाता है। प्रतिभा की शादी हो गई, कल को सोनिया की शादी हो जाएगी। यार इन लड़कियों की शादी होने से घर बड़ा सूना हो जाता होगा ना। हाँ सागर, मैं तुमसे इसी सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। कौन? सागर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कम ऑन डॉक्टर, नॉट अगेन। पहले की तुम्हारी मजबूरी में समझ सकता था, तुम्हारे भाई बहन छोटे थे, मगर अब तो राहुल सोनिया क्षितिज भी बड़े हुए हैं, और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी शादी के बाद उन बच्चों को भाभी भी मिल जाएगी? अरे डॉक्टर उनको भाभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि बाप की तरह हूं। उन्हें माँ चाहिए होगी, और कोई भी औरत ये नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ पाएगी सागर, क्यों नहीं समझ पाएगी?
क्योंकि अश्विनी वो औरत मेरे साथ उस वक्त नहीं थी जब मैंने इन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। नहीं अश्विनी, मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में लाकर बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। यार तुम तो मेरे दोस्त हो, why are we discussing all this? मैं आज तुम्हारे सामने एक भाई की हैसियत से अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं। ममता सिर्फ नाम की ममता नहीं है बल्कि इसका दिल भी ममता से भरा हुआ है। सागर, सागर वो पूरे घर को अपने आंचल में समेट लेगी। मैं जानता हूं अश्विनी, उसका दिल ममता से भरा हुआ है और इसी बात का डर है क्योंकि हर औरत शादी के बाद मां बनना चाहती है। यू टेल मी वन थिंग, एक बात बता मुझे, कोई भी औरत, दुनिया में कोई भी औरत अपनी कोख को सुनी रखकर क्या मेरे भाई बहनों को अपनी औलाद की तरह रख सकेगी? रख सकेगी? मुझे यकीन है आपकी जिंदगी में जो भी औरत आएगी वो इतने प्यारे बच्चे पाकर कभी मां नहीं बनना चाहेगी। चले हैं मीठी मीठी यादें ओढ़ चले हैं, जाते हुए हमको लगता है यूं जैसे कुछ अपना यहाँ छोड़ चले हैं। जैसे कुछ अपना यहाँ छोड़ चले हैं, लगती है एक वो लाखों में बस गई भैया की आंखों में। लगती है एक वो लाखों में बस गई भैया की आंखों में। सपने मन में यही ठाना है, सपने मन में यही ठाना है, उसे अब तो बना कर लाना है। भाभी माँ, भाभी माँ, देवी माँ, क्या बात है? भैया, मुझे ममता अपनी भाभी के रूप में चाहिए। कुछ कहने से पहले सिर्फ मेरी बात सुनिए भैया। आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बाबा की कमी कभी महसूस होने नहीं दी, लेकिन माँ का प्यार तो सिर्फ एक औरत दे सकती है ना। और फिर आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए है ना कि आप सोचते हैं कि कल को आपकी शादी हो जाएगी तो भाभी हमें उतना प्यार नहीं दे सकेगी जितना आपने दिया है। लेकिन आई अश्योर यू भैया, ममता से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। सुनो मगर तो प्लीज भैया, ममता को मेरी भाभी बना दीजिए प्लीज। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज भैया मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। अरे कौन है? मैं हूँ हरिया काका। अरे बिटिया, मालिक नहीं है? अरे बिटिया, अगर ये सपना हो तो हमको जगाना मत,
और अगर ये सच हो तो हम कचरा चुटकी काटो। ये बहुत ही खूबसूरत सच है हरिया का। आप जल्दी से जाइए और आरती की थाली लेकर आइए। जाइए ना। जुग जुग जी, जुग जुग जी। क्या है सोनिया की बच्ची, क्यों चिल्ला? भाभी, भाभी, आज से ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे बच्चे छोटा राम है। ये बड़ा क्षतिज है और ये आप लोगों की भाभी। दाहिने पांव से इसे गिराकर अंदर आओ और घर की मान मर्यादा और इज्जत सब संभालो। घर की लक्ष्मी का घर में स्वागत है। आओ। एक ही दिन में जिंदगी ऐसे बदल जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। जब प्रतिभा की शादी के लिए निकला था तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी शादी हो जाएगी। भगवान ने अपनी जोड़ी बनाकर रखी थी शायद। ममता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी। याद है शादी से पहले मैंने तुमसे वचन लिया था? जी हाँ, आपने वचन लिया था कि मैं अपनी कोख से बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। और तुमने वो वचन इतने प्यार और विश्वास के साथ मुझे दिया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी खुशी आपकी खुशी से अलग नहीं है। मगर मेरे तो पहले से ही बहन भाई हैं, जो मेरी औलाद की तरह हैं। अब वो मेरे भी बच्चे बन चुके। ममता, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मां बन सकती हूं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि अपनी औलाद होने के बाद भी तुम राहुल, क्षितिज और सोनिया से उतना ही प्यार करोगे। मैं तुम्हें बन चुकी हूं। मैं राहुल, सोनिया और क्षितिज की सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ। अरे वाह हरिया काका, फाइनली आपने पराठे ठीक बना ही दिए। मेरा पराठा भी बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। अरे हम नहीं, ममता बिटिया बनाया है। अच्छा, क्या बात है? राहुल, चलो ये तुम्हारी फ्लॉपी। अरे वो भाभी, आपको कैसे पता लगा कि मुझे सुबह को इन चीजों की जरूरत पड़ती है? अरे हमने बताया और कौन बताएगा। क्षितिज, ये तुम्हारी टाई। यार ग्रेट भाभी। अरे भाभी, सोनिया कहाँ है? सो रही है? वो तो रेडी होके चली भी गई। अच्छा क्षितिज और राहुल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ये जो तुम मुझे भाभी कह के पुकारते हो ना, इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, इज्जत है, लेकिन दुनिया में सबसे पाक रिश्ता है माँ और बेटे का। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ कह के पुकारें। आते ही घर को सवार दिया है, शोभा बढ़ा के निखार दिया है। माँ बनने का सपना भूल के उसने ममता लुटाई है, प्यार दिया है। भाभी माँ, चलो चलो, अब देर नहीं हो रही, ये लो जल्दी 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 चलिए। ओके भाभी, तुझे भाभी माँ, बाय। ओके भाभी माँ, बाय बाय। बोले इस घर की खुशियां सदा बनाए रखें। जुग जुग जियो बहू।
बहू, ये लो। ये क्या है? अब इस घर के सुखों की सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। Yes, Mr. O'Brien, I'll be there in time. Yes, yes. Thank you very much. Okay, bye. रिया तैयार हो? हाँ मामा। रिया, आज अगर हम मिस्टर ओब्राय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो ये सागर के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। और वैसे भी एक बात हमारे फेवर में है, जिन लोगों को सागर ना पसंद करता है मिस्टर ओब्राय जरूर पसंद करता है। जानती हूँ मामा, लेकिन शतज इस बात से बहुत गुस्से होगा मामा। रिया, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्षितिज या तुम्हारा करियर? दोनों मामा, दोनों। तो दोनों को हैंडल करना सीखो। उठिए ना। क्या वक्त हुआ? 9 बज गए। 9 बज गए? बच्चे तैयार हुए? हाँ, वो तो चले भी गए। कहाँ? अपने अपने काम पर। अच्छा। और अब आप भी रेडी हो जाइए, नहीं तो ऑफिस के 12 बज जाएंगे। इसका मतलब घर में सिर्फ हरिया काका है? वो भी चले गए सब्जी लाने। दीजिए। सिर्फ हम दोनों ही? हाँ, लेकिन अभी आप चाय पी के जल्दी से रेडी हो जाइए और ऑफिस जाइए, मैं नाश्ता लगा। रिया, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सुन के तुम्हें बहुत खुशी होगी। मैं बताती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। मिस्टर सागर ने रिया को अपनी एजेंसी में वापस बुला लिया। अरे नहीं आंटी, उससे भी बड़ी खुशी है। आपको पता है भैया ने शादी कर ली है। क्या? Yes, and I'm too happy for him. Congratulations. Thank you. अब हमारी शादी की बात कब करोगे अपने बड़े भैया? नो 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 नो, अब तो हम भैया से शादी की बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब मैं भाभी से शादी की बात करूंगा। भाभी भैया से? उसके बाद का गणित तो तुम जानती ही हो यार। Anyhow, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके? अरे हाँ, मैं तुम्हें रात को डिनर के लिए पिकअप करता हूँ। मुझे परमिशन आ गई। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। मिस्टर सागर ने शादी कर ली, ये खबर ओब्राय को जरूर देनी होगी। हेलो, अरे कौन है भाई? ममता, इतने गुस्से में क्यों? ओ मैम, मैंने समझा कोई ब्लैंक कॉल है। ओ, तो आपको ब्लैंक कॉल्स भी आते हैं? क्या बात है, बड़े मूड में हो? हाँ, मेरे मूड में होने से क्या फायदा, आप तो गुस्से के मूड में हैं। नहीं जान, वो वर्क प्रेशर, पर 2 दिन ऑफिस ना आने से काम इतना बढ़ गया कि लंच करने का भी होश नहीं है, है ना? लंच के लिए तो वक्त है, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। अरे 2 बज गए, पता ही नहीं चला। अब आप काम को एक तरफ रखिए और खाना खाइए प्लीज। जैसा आपका हुक्म। तो फिर शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। तुम कहो तो अभी आ जाऊं? अभी तो आप खाना खाइए और काम निपटा के बाद में। ऑलराइट मैडम, बाय। बाय बाय। यही स्टाइल, यही ग्लैमर चाहिए था हमें। थैंक यू मिस्टर ओब्राय। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सागर ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? यू लुक लवली इन दीज पिक्चर्स। थैंक यू सो मच मिस्टर ओब्राय। लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ वो तो है, लेकिन नापसंदगी की भी तो कोई वजह होनी चाहिए। मिस्टर ओब्राय, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। दरअसल रिया उस घर की बहू बनने वाली है। मगर मिस्टर सागर अब तक इस बात से अनजान है। अनजान? जान बूझ कर अनजान बन रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। ये बात इतनी आसानी से समझ में आ भी नहीं सकती मिस्टर सागर। इस खानदान को जितने अच्छी तरह से मैं जानता हूं ना, कोई नहीं जानता।
रिया यू आर हायर्ड। अब से तुम हमारी एजेंसी की मॉडल हो और जितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है ना, उससे ऐसा लगता है कि तुम एक सुपर मॉडल बनो। और मेरी तरफ से ये एक और तमाचा होगा सागर। अबे होटल से कुछ मंगवा लो खाने के लिए। जी साहब। कोई जरूरत नहीं है, एक घंटे से खाना बाहर लिए बैठे हैं और आप है कि होटल से मंगा रहे हैं। अरे काका भाई, आप लंच क्यों ले आए? अरे का करते, ममता बिटिया का हुक्म था, तुम्हारी मनपसंद माँ की दाल और पालक बनाकर भेजे हैं। तुलसी बच्ची ने सारे घर में प्यार की खुशबू फैला दी है। बजरंग बली, पूरी नजर से बचाना। साहब भाई, किसने सर ये तोहफा आया है? शादी करके तुमने अपनी जिंदगी में कांटे भर लिए हैं सागर, शादी मुबारक। बात ये है, मतलब चितिज, जब तुम मतलब की बातें करते हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं भाभी माँ, बैठो ना, तब तक भैया आ जाएंगे, तो मैं बात नहीं कर सकता। आप तो जानते हो ना, भैया के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। अभी बात कर लेते हैं। चलो बताओ। बात ये है, दरअसल मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इम्पॉसिबल, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आप नहीं बता सकती मैं आपसे क्या बात करना चाहती। अच्छा, तो इस बात की शर्त लगाते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे रिया को मिलवाओ। मंजूर है? आप रिया को जानती है? और मैं ये भी जानती हूँ कि रिया बहुत खूबसूरत है और तुम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और मैं उसकी तस्वीर भी देख चुकी हूँ। और मैं इस वक्त ये जानती हूँ कि तुम उसे क्या बात करना चाहते थे। तुम यही बात करना चाहते थे ना कि मैं भैया को बता दूँ इसके बारे में। भाभी, you are great. आप सिर्फ भाभी और माँ ही नहीं, अंतर्यामी भी है, भगवान भी है भाभी। चलाती भैया को मना लोगे ना? सोचती हूँ। क्षितिज को क्या हो गया? भाभी का भाई मतलब? मतलब दीवाना हो गया है। यानी मैं दीवाना हूँ? जो ऑफिस से फोन पर रोमांटिक बातें करते हैं उनको दीवाना ही कहते हैं। फिर तो मैं दीवाना ही ठीक हूँ। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्षितिज देख लेगा। अरे तो देखने दो ना, तुमसे शादी की है, कोई भगा के थोड़ी लाया हूँ। अच्छा, अपनी तो शादी हो गई, क्षितिज का क्या होगा? अच्छा, तो कमबख्त ये बातें कर रहा था। नेचुरली, अब उसी का नंबर है ना? हाँ, नंबर उसका आएगा भाई। हमारे एक दोस्त हैं सानी साहब, उनकी बेटी बड़ी प्यारी है, मैंने उनसे बात छेड़ी है। आप हाथ में धो लीजिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ममता, ममता क्या हुआ? ये तस्वीर कहाँ से आई? हाँ वो मैं पूछ रहा हूँ कि यह तस्वीर कहाँ से आई? इसके बारे में आपको मैं रात को बताने वाली हूँ। तुम उस वाहियात लड़की के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहती हो? प्लीज धीरे बोलिए ना, और ऐसी कोई बात मत कीजिए जिसे आपको बाद में पछताना पड़े। तुम इस लड़की को जानती हो? जी, वो क्षितिज और रिया। रिया और क्षितिज का? रिया क्षितिज से शादी। क्या कह रही तुम? हाँ, मैं जानती हूँ कि क्षितिज की पसंद रिया है। वो कौन होता है पसंद करने वाला? क्या उसे इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं जो इस सड़क छाप लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता?
प्लीज। यू शट अप। ये आधे आधे कपड़े पहनने वाली लड़की अपने आप को क्या समझती है कि मेरे भाई को फंसाकर वो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हटा लेगी? आप प्लीज चुप हो जाइए ना। क्षितिज के सेंटीमेंट्स, उसके सेंटीमेंट्स के बारे में तुम मुझे समझाओगी? तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन हुए और तुम मुझे बताओगी कि इस खानदान के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा? देखिए, शट अप। तुम इस मामले में नहीं पढ़ो। ये घर मेरा है और मैं जानता हूं कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं कल ही सानी साहब और उसकी फैमिली को बुलाऊंगा। क्षितिज की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। रिया, उन्होंने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया है। क्या? Yes. और फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहता? उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते, उन्हें एक थप्पड़ मार देते। क्षितिज, आज अगर तुम्हारा हाथ चल जाता तो पता है क्या होता? एक रिश्ते का अंत। आंटी, मैं मिस्टर ओब्राय ठीक ही कहते थे, तुम्हारे खानदान में किसी को प्यार करना नहीं आता। आंटी, हाउ डेयर यू क्षितिज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर चिल्लाने की? अच्छा हुआ शादी से पहले ही पता चला तुम्हें अपने बीवी को बुरी नजर और बुरी बातों से बचाना नहीं आता। आंटी, मैंने आपको एक बार कहा ना, भैया गुस्से में थे। भैया गुस्से में थे, मगर तुम्हारी भाभी माँ वो क्या कर रही थी? मैं भाभी माँ से रिया के बारे में ही बात कर रहा था। अचानक वहां भैया आए, रिया की तस्वीर देखी और फिर तस्वीर देखी या उन्हें दिखाई गई? और वैसे भी वो औरत उस खानदान में अकेले राज करती है, वो कैसे चाहेगी कि कोई और औरत उसके घर में आ जाए? आंटी प्लीज, मेरी भाभी माँ के बारे में कुछ मत कहना, वरना वरना क्या, वरना क्या क्षितिज? आंटी वरना आंटी, इस वक्त आप बहुत गुस्से। हाँ मैं हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लड़की नॉनसेंस, इस लड़के से तू प्यार करती है? बदतमीज। लेकिन सबका मुझे कितना दुख हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है, ये तुम नहीं समझ पाओगी। क्षितिज जानता है कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता, फिर वो उसकी बात लेकर तुम्हारे पास क्यों आया? ममता, इस घर को मैंने बहुत प्यार से बहुत संभाल के पाला है, लेकिन लगता है शायद कहीं कमी रह गई है। हाँ, एक बात की कमी थी। आपने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, वो हर प्यार दिया, वो हर खुशी दी जो आप दे सकते थे, लेकिन एक बात आप नहीं दे पाए, माँ का प्यार, क्योंकि वो एक औरत ही दे सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन ममता, मैं इतना जानता हूं कि अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ गई तो ये घर बिखर जाएगा। जो लड़की अपने काम में वफादारी का सम्मान नहीं कर सकती, वो इस घर की मर्यादा का सम्मान कैसे करेगी? आप एक काम कीजिए, आप एक बार क्षितिज से बात कर लीजिए, मैं जानती हूं कि वो मान जाएगा, आखिर उसमें आप ही के संस्कार है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन सानी साहब को मैंने कल बुला लिया है। मैं क्षितिज से बात कर लूंगी, वो उनके सामने अच्छी तरह से पेश आएगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दे दीजिए, आप क्षितिज के साथ बैठेंगे और प्यार से बात करेंगे। रिया जैसी औरतें घर बसाती नहीं बल्कि पसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। वो तुम्हें अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती बल्कि तुम्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहती है, और सीढ़ियों को सिर्फ पांव तले रौंदा जाता है। तो
मैं तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। हेलो साईं साहब, मैं आगे को फोन करने वाला था, जरा एक सेकंड होल्ड कीजिए। शाम को खास मेहमान आ रहा है, जल्दी आ पाऊंगा जो आपने काम करना। यस साईं साहब, एब्सोल्युटली इट्स फिक्स्ड, 7 o'clock इन द इवनिंग। आई लुक फॉरवर्ड। बाय बाय। हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। फोन क्यों किया? अपसेट है मुझसे? अपने आप से अपसेट? अगर अपने आप से अपसेट है तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे पता नहीं था तुम अभी तक होशो आवाज में आई हो या नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा था वो अपने होश में कहा था। रिया प्लीज डोंट स्टार्ट दैट। डोंट स्टार्ट व्हाट क्षितिज? तुम्हें इस बात की भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि एटलीस्ट एक फोन करके सॉरी बोल दो? अरे मुझसे नहीं तो कम से कम मेरी मामा से। बदतमीजी मैंने नहीं तुम लोगों ने की है, और मैंने एक बार कह दिया ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें बात करनी होगी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस वक्त तुम्हारे दिमाग से खामखाती बातें निकल जाए उस वक्त मुझको फोन करना। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर तुमने फोन रखा, हेलो हेलो मामा, ने फोन रख दिया। हाउ डे ही, वो समझता क्या अपने आप को? क्या समझता है मुझे? हाँ, मैं उसकी दासी हूँ, नौकरानी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मामा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जाने दो ना रिया। I'll kill him, मामा। रिया। I'll kill him। खत्म कर दूंगी उसे। रिया, प्लीज। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं अपने आप को तो मार सकती हूँ। रिया। I'll kill myself, मामा। रिया, 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 रिया। मिसेस सेठी, मिस्टर ओब्राय, पता नहीं रिया को क्या हो गया। अभी टेलीफोन पर बात कर रही थी, फिर कहने लगी कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, और अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। आप कुछ कीजिए प्लीज। रिया, रिया दरवाजा खोलो, रिया दरवाजा खोलो, रिया दरवाजा खोलो, रिया दरवाजा खोलो। Oh, Kshitij. Don't worry, everything is under control. You can go in, yeah? Yeah. रिया को क्या हुआ है? क्या हुआ है क्षितिज? रिया ने तुम्हारे कारण खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदकुशी? हाँ खुदकुशी, मगर अफसोस इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रही हैं आंटिया, आप जानती हैं मैं रिया से कितना प्यार करता हूँ। रिया को कुछ भी हो गया तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके मौत पर तो आंसू भी बहाने नहीं आ सकते। आंटी मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानती हैं मैं रिया से शादी करने वाला हूँ। अगर तुम रिया से शादी करने वाले हो और तुम दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुमने टेलीफोन पर बात करने से इनकार क्यों की? आंटी मैं बहुत परेशान था, एक तरफ आपकी बातें एक तरफ भैया की बातें। भैया भैया भैया, मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारे भैया से। क्षितिज तुम्हारी जिंदगी में रिया की कोई अहमियत नहीं है, तुम रिया के साथ खेल खेलना चाहते हो, और मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम शादी वही करोगे जहाँ तुम्हारे भैया चाहते हैं। आंटी भैया मान जाएंगे, he's my brother, he loves me, I know that. नहीं, तुम्हारे भैया कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रिया से नफरत करते हैं, क्योंकि रिया एक मॉडल है। मेरी समझ में नहीं आता
मॉडल होना, एम्बिशियस वुमन होना कोई गुनाह है? ऐसी औरतें शादी नहीं कर सकती। आंटी आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। भैया के अपने एक असूल हैं जो रिया को अपनाने से इनकार करते हैं, और दूसरी तरफ भैया के जज्बात। तुम्हारे भैया के असूल, तुम्हारे भैया के जज्बात नहीं श्रुति, उन पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी परवाह नहीं कर सकती। मैंने अपनी सारी जिंदगी रिया की खुशियों के लिए गुजार दी। क्षितिश, आज तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें रिया से शादी करनी होगी। आंटी तो मैंने रिया से शादी करने से कब इनकार किया है? तो ठीक है, आज तुम्हें रिया से शादी करनी होगी। ममता, ममता नाश्ता तैयार हो गया ना? वो लोग कभी भी आ सकते हैं। सब तैयार है बाबा। गुड, लेकिन ये क्षितिश क्यों नहीं आया आप? मैंने अभी अभी ऑफिस में फोन किया था। हाँ। पता चला कि वहाँ से निकल चुका है, आता ही होगा। गुड गुड, पर ये रिश्ता हो जाए ना तो तुम्हारा हाथ बटाने वाली भी कोई आ जाए। ये फूल लगा दूं? अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही। अब आप रोमांटिक मूड में मत आइए, वो आते होंगे ना लोग। चलो चलो नीचे चलते, चलो जल्दी करो। थोड़ा प्यार तो देखे जाइए। ये देखो कैसी, बहुत खूबसूरत। अगर रिश्ता पक्का हो गया ना तो तुम ये अंगूठी अपने हाथों से लड़की को पहना देना शगुन के तौर पर। हमेशा इस घर में अपनी छाया रखना, हमेशा इस घर में सुख और शांति रखना। अब आप इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। अरे ममता, ममता भाई, वो क्षितिज कहाँ है अब तक? आ रहा होगा। आया। हेलो सागर। हनी साहब, आइए आइए। ममता, ये मेरी वाइफ ममता। नमस्ते। भाभी, इनकी प्यारी सी बच्ची, और ये सानी साहब हमारे पुराने और अच्छे दोस्त। काहे के दोस्त हुजूर, अगर इतनी अच्छी दोस्ती होती तो अपनी शादी पे ना बुलाया होता हमें। अरे वो शादी का क्या हुआ, बहुत जल्दबाजी में हो गई। आइए ना बैठिए। अब आप कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ बन गए हैं, कांग्रेचुलेशन। लीजिए मुंह में खा लीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेल, थैंक यू अंकल। भाई क्षितिज नजर नहीं आ रहा? तुमसे शादी करने से बड़ी खुशी तो मेरी जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकती, मगर ये खुशी दुगनी हो जाती अगर भैया और भाभी का आशीर्वाद भी मिल जाता तो। ये देखो, ये है हमारे क्षितिज भैया। हां सुन ना। ये है जब वो बहुत गुस्से में रहते हैं। ये रखो। नहीं रखो, नहीं सुनो। स्ट्रेंजर्स इन द नाइट एक्सचेंजिंग ग्लांसेस। मामा, व्हाट मामा बेबी, व्हाट मामा? ओह माय गॉड रिया, तुम तो जानती हो मैं आज तक तुम्हारे कमरे में नॉक करके नहीं आई हूँ, और आज भी मैं नॉक करके आने की जरूरत महसूस नहीं कर रही हूँ। लेकिन मामा, शायद आप भूल रहे हैं, अब ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। नहीं रिया, तुम भूल रही हो, आज भी ये कमरा सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन मामा, अब तो हम दोनों शादीशुदा हैं। मामा, मैं आंटी से तुम्हारी मम्मा बन गई, रिया दोस्त से तुम्हारी बीवी बन गई, लेकिन क्षितिज मैं ये भी जानती हूँ कि वक्त काफी हो गया है, अब तुम्हारा घर जाने का वक्त हो गया है। वो घर जहां तुम मुझे और रिया को नहीं ले जा सकते। गो क्षितिज, यू आर गेटिंग लेट। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तो हमारी सुहाग रात। लड़की की सुहागरात उसके ससुराल में मनाई जाती है, मायके में नहीं।
अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। सागर, तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानो? नहीं कही। तुम ये रिश्ता कहीं क्षितिज की मर्जी के खिलाफ तो नहीं कर रहे? Not at all. देखो, बच्चों की अपनी पसंद ना पसंद होती है, अपनी जिंदगी होती है। हम उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर में खुशियां नहीं ला पाएंगे। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलते हैं। जाओ क्षितिज, घर जाओ। मैं मानती हूं कि तुमने रिया से शादी की है, लेकिन रिया तुम्हें तब मिलेगी जब तुम इज्जत से इसे अपने घर ले जाओगे। जाओ, घर में तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गो क्षितिज, गो। और सुनो, सुबह जरूर आना, नाश्ते पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आलू के पराठे और दही। खाना लगा दी? नहीं। बहुत नाराज है? नहीं, अब नाराज तो नहीं हूं, लेकिन दिल तो दुखता है ममता। जिस क्षितिज की मैंने एक भी बात नहीं टाली, वो मेरी एक बात नहीं रख सका। मेरी मोहब्बत में कहीं तो कमी रह गई। कुछ समझ में नहीं आता मुझसे क्या गलती हो गई। गलती तो आपसे हुई है, आपको नहीं लगता? आपने बहुत जल्दबाजी की है। सानी साहब अगले हफ्ते भी तो आ सकते थे। देखिए क्षितिज, अब रिया को पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहा है, उतने में आपने उसके दिल पे एक बोझ और डाल दिया। मैंने तो उसकी कोई भी बात मानने को बोझ नहीं समझा कभी भी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश मैंने पूरी की है। लेकिन अभी वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। उसकी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी जिंदगी है। मैं मानती हूं कि आपकी हर बात मानना उसका फर्ज है, लेकिन वो आपकी बहुत इज्जत करता है, आप उस पर शक क्यों करते हैं? मैं शक नहीं कर रहा ममता, डर रहा हूं कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। अगर क्षितिज की शादी सानी की बेटी से नहीं हुई तो मैं उनके सामने नजरें नहीं उठा सकता। जब मैंने ये एजेंसी शुरू की थी तो सानी साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। उन्होंने हर जगह मुझे प्रमोट किया है। आज जो भी मेरी पोजीशन है, जो भी मेरी स्टैंडिंग है मार्केट में, उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्या मैं इस एहसान के बदले में अपने भाई की शादी उनकी बेटी से नहीं कर सकता? हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो वो करेंगे हम पर, अपनी इतनी सुंदर और सुशील बेटी की शादी हमारे घर में करके। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं क्षिति से बात कर लूंगी। खाना लगा दो। तुम खा लो। क्षितिज, भाभी, क्या हुआ क्षितिज? कुछ भी नहीं, क्षितिज तुम जानते हो
आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ भाभी, आज मुझसे गलती हो गई, सचमुच बहुत बड़ी गलती। कोई बात नहीं क्षितिज, हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। लेकिन भाभी, ऐसी गलती तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्षितिज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और उस पर पछतावा भी। लेकिन भाभी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई पश्चाताप नहीं होता। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह भैया उठेंगे तो उनसे माफी मांग लेना, जो कुछ भी कहेंगे सुन लेना, कुछ नहीं कहना, ठीक है? अभी तुम खाना खा, चलो। नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मैं खा कर आया हूं, आप सो जाइए। मैं जानती हूँ सुबह से तुमने खाना क्या, एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। चलो चुपचाप खाना। भाभी प्लीज। मैंने कहा ना, चुपचाप खाना। दामन बचाने से काम ना होगा, क्या अपना खून बदनाम ना होगा। उसके साजन का भाई है, वो जिसकी हुई रुसवाई है उसके साजन का भाई। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ। पता नहीं मामा, क्षितिज आज आएगा भी या नहीं। क्यों? कल रात को वो यहाँ से काफी लेट गया था ना, शायद घर में कोई हंगामा ना हुआ। तुम क्यों उसकी फिक्र करती हो? उसकी भाभी माँ है ना उसकी फिक्र करने के लिए, बहुत भरोसा है ना उसको अपनी भाभी माँ पर। हेलो। हेलो, क्या मैं क्षिति से बात कर सकती हूँ? जी आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी क्लाइंट बोल रही हूँ। जी एक मिनट, क्षिति तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। माँ भी नहीं बोल सकते ना वहां से? जी तुम्हारी भाभी माँ जो है उनके सामने मैं क्या हूँ? एक्चुअली एक मिनट, रिया से बात करो। क्षितिज कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं अभी पहुंचता हूँ ना। तुमने वादा किया था ना आज का नाश्ता तुम हमारे साथ ही करोगे। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ बस। ठीक है, ओके फाइन, बाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। भैया मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। दरअसल कुछ मजबूरी ऐसी थी कि मैं जाकर भी नहीं। मजबूरी, इस लफ्ज को अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक, क्योंकि जो मजबूर होते हैं वो कमजोर होते हैं, और कमजोर लोगों का फायदा उठाना इस दुनिया की फितरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई कमजोर हो या मजबूर। देखो सिद्धू, तुम कल वक्त पर नहीं आए इस बात का मुझे दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है तुम्हें आज अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? देखो मैं तुम्हारी हर गलती को माफ कर सकता हूँ, तुम्हारी सब नादानियों को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम वादा करो सतीश कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे
या घर के किसी आदमी को शर्मिंदा होना पड़े। जी भैया आगे बैठ। दरअसल भैया मुझे देर हो रही, क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। अरे क्लाइंट्स 5 मिनट वेट कर सकते हैं भाई, सुना पीछे बैठे। जाने दीजिए ना उसे, खुद तो काम के चक्कर में लंच भी नहीं करते हो। जाओ लेकिन कहीं ब्रेकफास्ट कर लेना। बाय भैया। बाय। टाई ठीक कर लेना। अपने बेटे से मिलने। गुड मॉर्निंग पापा, आप यहाँ इतने सालों बाद। I just can't believe it, पापा। रिया अंदर जाओ। मामा प्लीज। कैसे हैं आप पापा? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बेटी? ठीक हूँ। रिया मैंने कहा ना अंदर जाओ। मामा प्लीज अंदर जाओ। रिया मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी बेटी? नहीं, क्यों आए हो यहाँ? जिसे मिलने आया था उसे तो तुमने अंदर भेज दिया। उससे मिलने का हक तुम खो चुके हो डॉक्टर कमल सेठी। रिया मेरी बेटी है। बेटी थी, इतने सालों से वो मेरे साथ रह रही है। कानूनन तुम उसके ऊपर का हक खो चुके हो। दुनिया का कोई भी कानून बाप बेटी के रिश्ते को नहीं तोड़ सकता निधि। बस सिर्फ तुम्हारी जैसे मतलब परिश्त औरत ही उसे अलग रख सकती है। कमल मैं तुम्हारी वाहियात बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो देखो निधि, रिया जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। और मैंने सुना है तुमने रिया की शादी कर दी है। हाँ की है। तो मुझसे पूछे बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुम्हारी इतनी अहमियत है कि मैं तुमसे सलाह लेकर कुछ काम करूं? निधि तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो। रिया के मामले में मैं तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहती। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। आउट। देख क्या रहे हो, ये भी इस घर का हिस्सा है। ये मेरा दामाद है। I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये इस घर के पुराने मालिक हैं। इन्हें गलत फहमी हुई है कि इनकी कोई पुरानी चीज छूट गई है, उसी को ढूंढने आए थे। तुम बैठो बेटा, मैं रिया को बुलाती हूं। धोखा देने की अदा तो कोई आपसे सीखे। कितना इंतजार कराया उस दिन और फिर भी नहीं आए। कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त आएगा, हम भी इंतजार कराएंगे। वैसे आपको हंसना आता है या नहीं? आंखों में तो शरारत बसाए बैठे और चेहरा यूं बना के बैठे जैसे नाराज है जनाब। तो इससे बात कर रही थी। वही मैं कहूं कि चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? जी वो सोनिया ने। तो क्षितिज तुम्हें पसंद है? एक्चुअली मैं और तुम्हारे डैडी तुमसे यही बात करना चाह रहे थे। तुम्हारे डैडी बार बार यही कह रहे थे कि सागर से बात आगे बढ़ाने से पहले शीतल से पूछ लेना चाहिए। तो कहो बेटी, बात आगे बढ़ाए। जी जी कहो। आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। मुझे बहुत खुशी है बेटी कि तुम्हें मेरी और अपनी डैडी की पसंदगी पे भरोसा है। क्षितिज के भैया भाभी से बात करके बात आगे बढ़ाएंगे। शीतल ये तुम ही रखो, ये तुम्हारी अमानत है। देखा अकड़ गए ना आखिर चोरी।
आई लव यू। प्रिया बात क्या है? बात पूछने से क्या फायदा, तुम अच्छी तरह से जानते हो रिया रात को न सो सकी है न इसके आंसू बंद हुए। मगर क्यों? गलत सवाल पूछ रहा था। जब पति पत्नी एक साथ न रह सके तो आंखों से आंसू तो निकलेंगे ही ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो चाहता ही था कि अपनी चाहत को इतना छोटा मत रखो। जिस दिन तुम्हारी चाहत रिया को अपने घर ले जाने के लिए मजबूर करेगी ना, उस दिन शायद तुम इसके इसके होठों पर मुस्कुराहट देख सकोगे। I'm sorry. सानी साहब, शीतल अब हमारे घर की बहू है, उसे हमारे घर से कोई शिकायत नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सागर, लेकिन क्षितिज आज के जमाने का लड़का है, हो सकता है उसकी कुछ अपनी खुद की पसंद। सानी साहब, मेरी पसंद ही क्षितिज की पसंद है, मेरा फैसला ही क्षितिज का फैसला है, आप बेफिक्र रहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमें जल्दी ही उनकी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। तो नेकी और पूछ इस दिवाली की मिलनी में ही शुभ काम कर देते हैं। मुझे मंजूर है। हेलो जी, मैं ममता बोल रही हूँ। अरे कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। कहिए कैसे याद किया? कोई नहीं, मैं और क्षितिज बैठे थे, आपकी बात चल रही थी, तो क्षितिज कह रहा था कि उसे आपसे माफ़ी मांगनी है, वो आपसे मिल नहीं पाया ना, इसलिए लीजिए बात कर लीजिए। कैंसिल कर दो। हेलो आंटी। हेलो, कैसे हो बेटे? मैं अच्छा हूँ आंटी। एक्चुअली आंटी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, मैं उस दिन आ नहीं सका। इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, तुमने फोन किया यही काफी है। आंटी शीतल कैसी है? अच्छी है, लो खुद ही बात कर लो। शीतल बेटी, शीतल। जी मम्मी। क्षितिज का फोन है, लो बात कर लो उसे। हेलो, दरअसल मैं ये पूछ रहा था कि डू यू माइंड कमिंग आउट फॉर अ डिनर विद मी? एक मिनट बताती हूँ मम्मी को डिनर पे आने के लिए कहना। हाँ कह दो बेटी। ओके ओके, तो मैं काम करूंगा, ऑफिस से आते वक्त आपको पिकअप कर लूंगा। ओके बाय बाय। वेरी 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 गुड बॉय, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगे। साईं साहब, मैं डॉक्टर साहब को शीतल और क्षितिज के रिश्ते के बारे में बता रहा था। साहनी साहब मुबारक। थैंक यू सागर। एक खुशखबरी मैं भी देना चाहूंगा। कैसी खुशखबरी? हमारी बेटी की भी शादी हो गई है। वेरी गुड, मुबारक हो डॉक्टर साहब। कब मिलवा रहे हैं आप अपनी बिटिया से? मुझे खुद उसे मिलने के लिए मौका तलाशना पड़ता है। घर छोड़ो, क्षितिज कहाँ है? ओ क्षितिज, ही मस्ट बी इन हिज कैबिन। हेलो क्षितिज, जरा मेरे रूम में आना। डॉक्टर साहब, आपके दामाद क्या करते हैं? सुना है बहुत होनहार है, मैं तो बस सिर्फ उसे एक बार ही मिला हूं। अरे हाँ, आओ इधर। डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब को पहचाना? और डॉक्टर साहब ये क्षितिज, आप जब मिले तो बहुत छोटा था, ये रेटिना ही है। अच्छा सागर, मैं चलता। अरे आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हम लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, इन लोग को जाने दीजिए, इनका कुछ डिनर का प्रोग्राम है। यू गाइस गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। जी भैया। और हाँ, शीतल को वक्त से घर पहुंचा देना। जी जाओ बेटे। बहुत प्यारी जोड़ी है। क्षितिज, ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं। नहीं। या फिर आपका ध्यान कहीं और है?
नहीं तो अब बहुत ही अनरोमांटिक है। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम है। क्या क्या मालूम? यह कि आप बहुत ही सीरियस रहते हैं, अनरोमांटिक हैं और खड़ूस हैं, ऐसा सोनिया का कहना है। तुम मेरे बारे में कितना जानती हो जो मुझसे शादी करना चाहती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ एंड दिस इज द फैक्ट कि आपने मुझे डिनर पर बुलाया है, इट मींस कि आप भी मुझे पसंद करते हैं, है ना? चल मैं आपकी कॉल मिलते ही मैं फौरन चली आई। ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई? रिया के लिए कोई नया ऑफर है? रिया के लिए ऑफर्स की कोई कमी होगी मिसेस सेठी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और फिर रिया की इस हालत में उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। कैसी हालत मिस्टर ओब्राय? आप मुझे सच सच बताइए, क्या क्षितिज और रिया के बीच में कुछ अनबन है? मिस्टर ओब्राय, रिया और क्षितिज के बीच अनबन तो दूर, दोनों के बीच में नोकझोंक भी नहीं है। तो फिर क्षितिज किसी दूसरी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था? हाँ, आपकी तस्वीर अपने आंखों के सामने लिए बैठे। मैं कमल शीतल, तुम रिया कॉल बैक लेटर, मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं। तुम अचानक यहाँ? क्या कोई इंपॉर्टेंट कॉल था? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नो नो, नॉट एट ऑल, वो मेरे क्लाइंट का कॉल था। आप यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे शायद नॉक करके आना चाहिए था। आपकी तारीफ? मेरी क्लाइंट है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सी यू, बाय बाय। मम्मी, आप यहाँ? मैं तुम्हारे इस भोले वाले चेहरे के पीछे छुपा हुआ वो वाहियात आदमी देख चुकी हूँ। आप धीरे बोलेंगी प्लीज, भैया ने सुन लिया तो? तुम्हारे भैया को तो सुनाने में आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने रिया को समझा क्या? गांव की भोली भाली लड़की जो तुम्हारी अय्याशियां बर्दाश्त करे और फिर भी तुम्हारी पूजा करे। सॉरी, तुम्हारे खानदान में ये होता होगा, शादी किसी और के साथ और अय्याशी किसी और के साथ। चुप की जाओ। और एक बात याद रखना, अपने प्यार का इजहार सिर्फ खोखले अल्फाजों से मत करना। अगर तुम रिया को वाकई चाहते हो, उसे अपनी जिंदगी मानते हो, तो उसे बाइज्जत अपने घर ले जाओ। उसके कानों में खूबसूरत अल्फाज के बजाय उसके कदमों तले अपने घर की दहलीज रखो। मैं भी यही चाहता हूं, मगर आपको एक बात बता दूं, जिस किसी शख्स ने भी हमारे बीच में ये बातों की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, वो हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन है। नो, मिस्टर ओब्राय हमारे दुश्मन नहीं है। He is the only well-wisher of ours. जो उन्होंने देखा वही बताया। तो ये आग मिस्टर ओब्राय ने लगाई है। क्यों मी, मैंने कहा ना मिस्टर ओब्राय साहब किसी से नहीं मिलना चाहते। ओब्राय साहब, आपसे दो चार प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। अभिजीत, इनसे माफी मांगकर तुम बाहर जा सकते। सॉरी सर। बैठा भी क्या? नहीं, मैं तो आपसे यहां ये जानना चाहता हूं कि क्यों मम्मी को और रिया को आप मेरे खिलाफ फड़का रहे हैं, क्यों मेरे और रिया की जिंदगी में आग लगा देना चाहते हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज यंग मैन, मैं किसी को भड़काता नहीं। तो क्यों आप उनकी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं? अरे क्यों उनके दिल में आप जहर भरते हैं मेरे खिलाफ? क्या दुश्मनी है आपको उनसे, मुझसे या मेरे खानदान से? हाँ,
मेरी तुमसे और रिया से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अपने खानदान का नाम मत लो मेरे सामने, उस सागर मेहरा का नाम मत लो मेरे सामने जिसके पास दिल नहीं पत्थर है, जिसके दिमाग में शैतानी जुनून है, जिसकी हरकतों में दोगलापन है। मिस्टर ओबेरॉय मेरे भैया एक निहायत ही नीच और घटिया इंसान है, उसका नाम लेते ही मेरा खून खौलने लगता है। वो सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करना जानता है और तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर देगा। मिस्टर ओबेरॉय मेरा भाई कभी ऐसा नहीं करेगा, उसने आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया, उसने हम भाइयों और बहनों की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, यहां तक कि शादी नहीं की इतने सालों। उसने शादी इसलिए नहीं की ताकि वो याची कर सके। मिस्टर ओबेरॉय मत जानना चाहते हो तुम्हारे भाई का असली रूप, आओ मेरे साथ दिखाता हूं तुम्हारे भाई का असली रूप, चलो। अरे भैया आप अचानक बिना खबर किए। समझ गई, आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, है ना? या फिर ये देखने आए होंगे कि मैं अपने घर में खुश हूँ कि नहीं। हाँ ओफो भैया, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी फिक्र मत करिए, सागर मुझसे बहुत प्यार करता है। सागर, तुम्हारा भाई सागर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना भैया, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? हाँ मनीषा, ये क्षितिज है। क्या बात है, सागर के भाई का नाम भी क्षितिज है, उसका एक और भाई है राहुल, उसकी एक बहन भी है सोनिया। मारिया, अरे ओ मारिया, साहब के लिए एक ग्लास पानी लेकर आना। एक बात बताओ मुझे, आज तुम इतने लेट क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। पानी पी लो, ठंडा पानी। तुमसे कितनी बार कहा है कि सागर ठंडा पानी नहीं पीता, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या? ये लो लेकर जाओ से, सफेद वुमन। सागर, सागर प्लीज लिसन टू मी, सागर सागर नाराज मत होना प्लीज, तुम इसे डांटना मत, ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है ना सागर, प्लीज उसे माफ कर दो। सागर तुम नाराज हो गए, सागर प्लीज नाराज मत होना, सागर मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। बस करो सागर, यहाँ नहीं है, नहीं है वो यहाँ, तुम्हें छोड़कर चला गया है वो। भैया ये आपको क्या हो गया है भैया, आपके आपकी आंखों के सामने ही तो सागर है, ये देखो ना भैया, मेरा सागर। सागर तुम्हारा नहीं है, कभी तुम्हारा नहीं था, वो ढोंगी था, खुदगर्ज था, तो तुम्हें छोड़कर किसी और की बाहों में चला गया, समझी? सागर, किसी और का हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप कहते हैं सागर किसी और का हो गया है, नहीं सागर किसी और का नहीं हो सकता, सागर किसी और का नहीं हो सकता, सागर से मेरा है, मेरा है सागर, सागर से मेरा है, मेरा है सागर, किसी और का नहीं हो सकता, सागर मेरा है सागर। श्रीदेव जिस घर में तुम लोग इस वक्त रह रहे हो ना, और जिस औरत को तुम भाभी माँ कहते हो, वो घर, वो हक मेरी बहन का है, मेरी प्यारी मासूम बहन का, जिसे सागर ने पागल बना के रखा है। एक वक्त था जब सागर और मनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सागर और मनीषा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा, सागर के बुने पिरोए अल्फाजों के जाल में मनीषा आती चली गई, वो सागर को बे इंतहा प्यार करने लगी, सोते जागते उठते बैठते मनीषा को सिर्फ सागर का ही ख्याल रहता था।
मैं भी खुश था, मुझे सागर में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। हसमुख, मेहनती और खूबसूरत था सागर, लेकिन सागर मनीषा के प्यार का फायदा उठाकर अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट बढ़ाता चला गया। सागर का बिजनेस बढ़ता गया और मनीषा का प्यार बढ़ता चला गया। भैया सच तो ये है कि अब मेरा इंटरेस्ट बिजनेस पर नहीं, सागर पर आ गया है। अच्छा, तो तुम सागर से बहुत प्यार करती हो? हाँ, और ऐसी बात है तो क्यों ना इस प्यार को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए? यानी? यानी शादी। ओ भैया, थैंक यू सो मच। चलो आगे, मैं कल ही सागर से तुम्हारी शादी की बात करता हूं। दूसरे दिन मैं इंतजार करता ही रह गया, मगर सागर नहीं आया। मनीषा भी मेरी तरह बेचैन हो गई। भैया, मैं सागर के घर जा रही हूं। मगर मनीषा, प्लीज भैया, आज आप मुझे मत रोकिए, आज मेरी जिंदगी का खास दिन है। मुझे नहीं मालूम था कि आखिरी बार मैं अपनी बहन को ठीक हालत में देख रहा हूं। मनीषा जब सागर से मिलने गई तो वो वहीं था। मनीषा ने जब उसे नहीं आने का कारण पूछा तो वो बात को टाल गया, लेकिन फिर उसने कहा कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं। मनीषा, बात क्या हो गई? भैया, हम दोनों ने शादी कर ली। हाँ भैया, भैया आप नाराज ही होंगे ना? नाराज तो नहीं होंगे? मैं बहुत खुश हूँ भैया, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है, मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई भैया। हाँ, आप यहीं ठहरिए, मैं सागर को बुला कर लाती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। सागर, अंदर आओ, मैंने मैंने भैया को मना लिया है, वो तुम्हें डांटेंगे नहीं सागर। हाँ हाँ, हाँ सागर, हाँ, हाँ। भैया सागर, सागर भैया के पास जो आशीर्वाद लो। हाँ, हाँ, एक मिनट, मैं भैया के पैर छूती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। हाँ, तुम उनके गले मिलो। हाँ, 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 भैया आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया और सागर को भी गले लगा लिया। भैया आपने हमें अपना लिया। भैया रियली सॉरी क्षितिज, मैं जरा जज्बातों में बह गया, मगर क्या करूं जब किसी दूसरी औरत को तुम्हारी भाभी के रूप में देखता हूं तो मेरा दिल रो उठता है, क्योंकि अगर सागर ने धोखा नहीं दिया होता ना तो ये मेरी बहन तुम्हारी भाभी माँ होती। दिवाली मुबारक। आपको भी भैया। दिवाली मुबारक। आपको भी दिवाली मुबारक। दिवाली की रोशनी तरह हमारा संसार हमेशा जगमगाता रहे। लेकिन दिवाली की पूजा तो शाम को होती है ना, ये सुबह कैसी पूजा? हर शुभ दिन की शुरुआत भगवान के आराधना से होनी चाहिए। भगवान का दिया घर को अंधेरे से बचाता है, आरती की अग्नि से सारे क्लेश जल जाते हैं और अगरबत्ती की खुशबू से सारे घर में प्यार की सुगंध रहती है। भाभी माँ, आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? ये बातें नहीं, संस्कार हैं, और संस्कार तो हमारे देश की मिट्टी में मिलते हैं, और आप उस संस्कार की जीती जागती मिसाल है। बेटा, भाभी माँ का आशीर्वाद लो ताकि तुम दोनों भी वो शक्ति प्राप्त कर सको। अरे क्षितिज कहाँ है? वो अपने कमरे में है भैया। कमाल है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए पूजा के लिए, वो कमरे में क्या कर रहा है? भैया मैंने उसको बुलाया था, वो कह रहा था तुम चलो मैं आता हूँ। मैं भी उन्हें बुलाने गई थी भैया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। भैया बदतमीजी,
मैं देख के आता हूँ। आप सब उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं उसे बुलाती हूँ, आप सानी साहब को फोन कर लीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते? क्या खराबी है इस रिश्ते में? ये मत भूलना क्षितिश, शीतल तुम्हारे भैया की पसंद है, उस भैया की पसंद जिसने तुम्हारे लिए कई कुर्बानियां दी। शीतल मेरी भी पसंद है। मैंने तुम्हें कभी अपना देवर नहीं समझा, बल्कि अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार किया मैंने तुमसे। इतनी कुर्बानियों के बदले में एक खुशी नहीं दे सकते तुम्हें? क्षितिश तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम उनकी कमजोरी हो। क्षितिश वो तुम्हें अपने आप से भी ऊंचा देखना चाहते हैं। जानती हो जब से ये रिश्ता आया है वो बहुत खुश है। मैं तुमसे उनके खुशियों की भीख मांगती हूँ, उनकी खुशियां मेरी आंचल में डाल दो प्लीज। कुछ कहना चाहती हूँ ममता। लगता है सानी साहब आ गए, संभालो अपने आप को। क्षितिज क्षितिज जल्दी से तैयार हो के बाहर, ठीक है? मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? जल्दी से आ जा। हैप्पी दिवाली अंकल। आपको भी बेटा। हैप्पी दिवाली सोनिया। हाय, हैप्पी दिवाली। ओहो, कहना तो किसी और को है, हम तो सिर्फ एक बहाना है। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली साहब। साहब क्षितिज के बाद इसका नंबर भी लगा दो। और सानी अंकल मेरा क्या होगा? हैप्पी दिवाली साहब। आपको भी हैप्पी दिवाली। खुश आइए ना। अब जल्दी से इसे अपनी बहू बनाकर अपनी खुशियों के आंगन में ले आइए। आपसे ज्यादा बेताब तो हम हो रहे हैं भाई। इस बार तो हमने भी पूरी तैयारी की, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया, आज इन दोनों की सगाई की तारीख हम अनाउंस कर देंगे। भाई सागर, इससे बेहतर दिवाली का तोहफा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन क्षितिज है कहाँ? अब वो तैयार हो रहा है, कल रात देर से आया था ना, इसलिए थोड़ा। सागर, क्षितिज इस मामले में बिल्कुल तुम पर गया। भाभी, सागर को काम में इतनी मसरूफियत थी कि उसने अपनी शादी के लिए वक्त निकाल दिया, इससे कम है। देखिए आ गया आपका बेटा। हेलो बेटा। बेटी, हम तुम्हारी और शीतल की सगाई की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। हाँ क्षितिज, तुम्हारे भैया ने पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया है। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये खबर सुनकर? अरे शीतल जैसी लड़की पाकर न खुश होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सागर, सगाई वाले दिन ऐसी पार्टी दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। नहीं सानी साहब, एक्चुअली मैं और ममता चाहते हैं कि ये सगाई जो है अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के बीच में। क्यों ममता जी? इन्हें तो नहीं, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि हमारी ये खुशियां देखकर किसी की नजर ना लग जाए। ये पार्टी, ये दावत, ये सब शादी के बाद में भी तो हो सकता है, इसलिए सगाई वाले दिन क्षितिज और शीतल एक दूसरे को सिर्फ अंगूठी पहनाएंगे। तो फिर शुभ काम में देर कैसे? साईं साहब, 16 तारीख का मुहूर्त निकला। 16 तारीख यानी आज से 3 दिन बाद। जी भाई साहब, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? हमारा बस चले तो हम आज ही सारी रस्में पूरी कर दें। तो साईं साहब, हमारी तरफ से मंगनी पक्की होने की बधाई कबूल करें। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओब्रॉय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू ब्यूटीफुल। आज आप शूटिंग पर आ रहे हैं ना? नहीं, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। क्यों, कोई खास बात है? मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। अरे भाई, दिवाली का मौका है, लोग हंसते हुए फटाके जलाने का मजा लेते हैं, तो कभी कभी जलने का हादसा भी हो जाता है, इसे भी तो हम दिवाली का तोहफा ही समझेंगे, है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मिस्टर सहनी को तो तुम जानती हो ना? जी हाँ। उनका मैनेजर हमारा वफादार है,
अभी अभी उसका फोन आया था जिसमें उसने मुझे ये बताया कि मिस्टर साहनी मार्केटिंग के लिए गए हैं क्योंकि आज उनकी बेटी की सगाई का ऐलान होने वाला है क्षितिज के साथ। क्या? क्षितिज ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे शादी की है तो किसी और के साथ वो सगाई नहीं कर सकता। क्षितिज पर सिर्फ मेरा हक है, मैं क्षितिज से अपना हक मांगूंगी। नहीं, मांग कर तो सिर्फ भीख ली जाती है, हक छीन कर लिया जाता है। जाकर छीन लो अपना हक, बता दो सागर मेहरा को कि तुम उनके खानदान की बहू हो। मनीषा, भैया, भैया आप आ गए, दिवाली मुबारक हो भैया। एक मिनट, अच्छा देखिए तो कौन आया है। भैया आए हमें दिवाली विश करने। भैया देख रहे हो तुम्हारी बहन का घर कैसा रोशन हो रहा है, यहाँ का हर एक दिया, इस घर में खुशियां ही खुशियां बिखर रहा है। भैया भैया मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे मुझे सागर जैसा पति मिला है। भैया आप यहाँ बैठिए, मैं बाकी के दिए जला कराती हूँ। अच्छा देखो ममता, शादी के बाद हमको हनीमून में जाना चाहिए था लेकिन हम नहीं गए। मैं ऑफिस में बिजी हो गया, तुम घर में बिजी हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सडनली रियलाइज करेंगे हम बूढ़े हो गए। एक बात बताइए, हम बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे? बूढ़े लगेंगे मेरा मतलब है आंखों में चश्मा, हाथ में छड़ी, रुक रुक के बात करेंगे लेकिन एक बात, उस वक्त तुम बहुत खूबसूरत लगोगे। मिस्टर क्षितिज मेहरा, ये मत सोचना कि मुझे अंधेरे में रखकर तुम किसी और से शादी कर लोगे। जिस दिन तुम्हारी सगाई होगी उस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे भैया से मिलूंगी और उनसे अपना हाथ मांगूंगी। आप कौन है? अरे ये तो हॉस्पिटल रूम है, मैं यहां कैसे आ गई? यू ऑल राइट? क्यों, मुझे क्या हुआ था? Okay. मैं एक मिस्टर ओब्राय को इन्फॉर्म करके आया। लिसन मिस्टर, आप कौन? मैं मारिया मैडम। मारिया? मारिया कौन? कमाल है आप मुझे भूल गई। हे मिस, आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ हो क्या रहा है? ओह गॉड, ये सब हो क्या रहा है? आई जस्ट कांट गेट इट। कल ही तो मैं सागर के साथ थी और अब यहाँ। एनीवे, मुझे सागर के घर जाकर उसे मनाना चाहिए। तो फिर खाओ मेरी कसम कि आज ही तो मुझे अपने घर ले जाओगे। आज नहीं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हें मेरा खानदान की बहू होने का हक दिलवा कर रहूंगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? सागर तुम्हारा पता कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही हो तुम। कल रात तक तो सागर की शादी नहीं हुई थी, वो मेरे साथ था, मेरा था वो, और रातों रात तुम उसकी बीवी हो गई। तुम जो भी हो अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। बहुत सुन ली मैंने आपके बकबक, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं जो मेरे ही घर में घुसकर मेरे पति का नाम लेकर मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं? ये सागर? जी हाँ, ये सागर है और ये मैं हूँ उनकी बीवी मिसेस सागर मेहरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सागर किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मेरा था, वो मेरा है और मेरा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मनीषा बिल्कुल ठीक हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो कहीं चली गई है?
लेकिन कहाँ चली गई है? दूसरों के घर में घुसकर बदतमीजी करने वाली पागल औरत, निकल जाए यहाँ से, इसी वक्त निकल जाए, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। हेलो, मनीषा हॉस्पिटल से कहीं चली गई? तुम जरा पता लगाओ कहां चली गई, ढूंढो उसे। हाँ, इमीडिएटली जाओ। ममता, क्या हुआ ममता? मैं तो घबरा ही गया था, रो क्यों रही हो? ये कैसे टूट गई? इतनी सी बात भाई, मुझे मालूम है कांच का टूटना चुटनी होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि इतना रोना शुरू कर दिया गया। आप ही बेहतर जानते, आप ही को ढूंढ रही थी वो, और जब उसे पता चला कि मैं आपकी बीवी हूँ, पागल सी हो गई, और उसी ने ये मनीषा ओबरॉय यहाँ आई थी। मनीषा कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था। कितनी खुशी की बात है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, लेकिन तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। मुझे क्या हुआ है भैया? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो तुम। क्या मैं पागल हूं? मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने से कुछ साल पहले मेरी मुलाकात मनीषा से हुई थी। वो ओबरॉय एंड एसोसिएट्स के मालिक ओबरॉय की बहन थी। उनके काम में दिलचस्पी भी लेती थी। मेरी उसके साथ अक्सर मुलाकात होती थी ड्यूरिंग मीटिंग्स। मैं तो उसे अपना बिजनेस एसोसिएट समझता था, लेकिन उसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या थी इसका मुझे इल्म नहीं था। वो मुझे अपने ख्यालों में अपना हम सफर बना चुकी थी, लेकिन मैं अपने शादी न करने के फैसले पर कायम था। एक दिन सहनी साहब मेरे पास आए और मुझसे इल्तिजा की कि मैं अपने इस फैसले को बदल डालूं। उनकी बात मैं टाल नहीं सकता था, और वैसे भी राहुल क्षेत्र के सोनिया बड़े हो चले, तो मैं मनीषा के भाई ओबरॉय से शादी की बात करने के लिए तैयार हो गया। शादी दो लोगों का मिलन नहीं है। तो फिर? It's a beginning of a new chapter. ये मिलन, ये chapter, ये सब किताबी बात है। किताबों में अच्छी लगती है। Let's be practical. शादी एक सर्टिफिकेट है जो दो लोगों को एक साथ रहने की इजाजत देती है, and that's the end point. No. You're wrong. That's not the end point. That is in fact the beginning. देखो, मुझे मालूम है तुम मुझे बेझिझक अपना लोगी, लेकिन मनीषा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो भाई भी हैं और एक बहन भी। देखो सागर, शादी के बाद तुम और मैं मेरे घर में रहेंगे और तुम्हारे भाई बहन इस घर में, हम उनकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, you know what I mean? उनका खर्चा, सब कुछ। और तो और हर संडे हम उनके साथ लंच भी करेंगे। Is that fine? मनीषा, you know you have a problem. तुम हमेशा ख्वाबों में जीती रही, और ख्वाब हवा के बुलबुलों की तरह होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्या? क्यों? आखिर मुझमें क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ सागर। आई लव यू। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ खुद से प्यार करती। बस उस दिन के बाद मैंने मनीषा को अपने ख्याल से भी निकाल दिया। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उससे नफरत भी नहीं की। बस हम दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग था। मेरी बात गौर से सुनो। सागर से जिस मुलाकात को तुम कल की बात कह रही हो, उसे गुजरे हुए एक साल हो गया है। हाँ मेरी बहन,
एक साल तक दुनिया ठहर गई थी तुम्हारे लिए, वक्त ठहर गया था। एक साल तक तुम अपनी दुनिया में जी रही थी, और अब जब ठीक हो गई हो तो उस एक साल का कोई भी वाक्या तुम्हें याद नहीं है। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं पहचानती हैं। कैसे पहचानेंगी? खैर, मैं आपका एक वेल विशर हूं। देखिए, सागर इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा हुआ कि सागर इस वक्त घर में नहीं है, क्योंकि मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो सागर कैसे बर्दाश्त कर पाता पता नहीं। क्या कहना क्या चाहते हैं? क्षितिज ये सगाई नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो शादीशुदा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है क्षितिज? आज शाम को तुम्हारी सगाई है और तुम चाहते हो मैं चुप रहूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है क्षितिज, बात मेरी जिंदगी की है। मैं नहीं चाहती कि कहीं तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हें खो दूं। देखो रिया, मेरा इरादा तुम्हें आज ही घर लेके जाने को था। अगर साहनी साहब शाम की बजाय दोपहर को ही आ गए तो उनके जाते ही तुम्हें घर ले जाऊंगा, आज रात को ही। रात को क्यों क्षितिज, अब क्यों नहीं? सगाई के बाद ही क्यों? सगाई के पहले क्यों नहीं क्षितिज? क्योंकि मैं तुम्हें, अपने आप को, अपने घर वालों को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। पहले मुझ में हिम्मत नहीं थी, मगर अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। क्या तुम्हें भैया का भी डर नहीं है? अपनी बेइज्जती का भी डर नहीं है? सानी साहब की बेइज्जती, शीतल की बेइज्जती, किसी बात का डर नहीं है तुम्हें? मैं मजबूर हूँ भाभी। ऐसी कौन सी मजबूरी जो एक साथ इतनी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत देती है तुम्हें? भाभी मैं, एक सेकंड, मैं पहले इससे बात कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। बोलो क्षितिज, मांगने के बाद अगर इसके लड़के घर जाओगे तो तुम्हारे भैया की क्या हालत होगी? कभी सोचा है? वो सानी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं क्या करूं भाभी, मैंने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कौन समझने को तैयार था? एक बार मुझसे तो बात की होती। छोड़ो ना भाभी, बीती बातें दोहरा कर क्या फायदा। और भाभी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज रिया को घर लेकर ही जाऊंगा। अरे तुम लोग ट्राई कब पहनना सीखोगे यार? सुनिएगा भैया, वो तो किचन में मेहमान। फास्ट कर, टू गेट रेडी फास्ट, कम ऑन। अरे ममता, तुम कहाँ थी? मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो ना। यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में। ममता, बात बाद में नहीं हो सकती? बाद में बहुत देर हो जाएगी। अरे देर तो ऑलरेडी हो गई है, वो लोग आते ही होंगे। आप समझ नहीं रहे मैं क्या? मैं समझ गया हूँ, तुम एक और अपना गहना शीतल को देना चाहती हो। भाई वो इस घर की बहू बनकर आ रही है, जब आ जाएगी तो जितने चाहो दे देना। आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? ओके, मेरे साथ ऊपर चलिए। अरे ये देखो, अंगूठियां लाया हूँ मैं इंगेजमेंट की, तुम देखी नहीं ना? खूबसूरत है ना, हमारी एंगेजमेंट तो हुई। तो भाई अब कर लो एंगेजमेंट। सानी साहब, वेलकम वेलकम, वेलकम। सानी साहब, रस्म जो है 3 बजे से पहले खत्म करनी है, वरना शुभ घड़ी निकल जाएगी। तो भाई देर किस बात की, आओ भैया। अरे क्षितिज, क्षितिज, कम ऑन। ममता आ ना। तो भैया अंगूठियां बस से बाल लो भाई, अंगूठियां दो। ये तुम्हारी, ये तुम्हारी भाई। आओ यार। हमारी बेटी पे आपका भी पूरा हक है और क्षितिज पे हमारा। क्षितिज पर किसी का हक नहीं हो सकता। तुम दोनों को यहाँ किसने बुलाया? हम अगर आपकी इनविटेशन का इंतजार करते तो शायद बहुत देर हो जाती। क्यों क्षितिज? तुम लोगों का अब क्षितिज से कोई वास्ता नहीं,
अगर तुम्हारी कोई पेमेंट रह गई तो ऑफिस से ले। तुम दोनों को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं। मिस्टर सागर, कौन है ये लोग? इस लड़की ने क्षितिज को अपने प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन तुम नहीं जानती कि क्षितिज अपने भाई के लिए यानी मेरे लिए तुम जैसी कई लड़कियों को कुर्बान कर सकता है। Do you understand? क्षितिज has nothing to do with you. और तुम्हारे लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है। क्षितिज, तुम खुद इन दोनों को अपने घर से धक्के मार के भाग दो। Go on! क्या हुआ क्षितिज? हमें धक्के देकर बाहर निकालो, मुझे और रिया को धक्के देकर बाहर निकालो। अच्छा हुआ था। भैया ये है मेरा खानदान की मंझली बहू। मेरी धर्मपत्नी रिया। मिस्टर मेहरा, आप अपना हाथ काबू में रखें। क्षितिज अब मेरा दामाद है, रिया का पति है, सिर्फ आपका भाई नहीं है। और एक सास के सामने और एक पत्नी के सामने अपने छोटे भाई को बेइज्जत करके उसे छोटा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था सागर? मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करता आया हूं और मुसीबत से तुम्हें निकालता आया हूं। क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा सलूक किया? भाई साहब, इन्हें इस बात का पता नहीं था। छोटे भाई की शादी हो जाए और बड़े भाई को पता तक नहीं हो, ये कहानी किसी और को सुनाना भाभी। चलो बेटी। सुनिए सानी साहब, ये सगाई अब भी हो सकती है। एक शादीशुदा लड़के के साथ अपनी बच्ची की सगाई करके हम उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकते भाई साहब। चलो शीतल की माँ। सानी साहब, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? इस बदतमीज लड़के ने मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया। यही सिला दिया है मेरे लाड प्यार का तुमने? जवाब दो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। मैंने कोई गलती नहीं की। ऐसी घटिया लड़की के साथ शादी करके तुमने कोई गलती नहीं की? लफ्जों का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए भैया। रिया इस घर की बहू है। खबरदार, जो इस लड़की को इस घर की बहू कहा, तुम्हारी नाफरमानियों को मैं इस घर की इज्जत नहीं बना सकता। इस औरत की औकात इस घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है। मैं आपका एहतराम कर रहा हूं भैया। वरना क्या? ऐसी बात करने पे आपको शर्म आनी चाहिए भैया। रिया मेरा प्यार है। यह तुम्हारी मोहब्बत नहीं, यह तुम्हारी अय्याशी है। भैया आवाज नीचे करके बात करो। पहली बार तो आपके सामने जबान खोली है भैया, आज चुप नहीं रहूंगा। मोहब्बत आपके लिए अय्याशी होगी, मेरे लिए नहीं। क्षितिज, इनके असलियत तो आप नहीं जानती है भाभी। मैंने अगर रिया से मोहब्बत की है तो उससे शादी करने की हिम्मत भी की है, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को अय्याशी बनाकर उसे पागल खाने तक पहुंचा दिया। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं मनीषा की बात कर रहा हूं, मनीषा ओबेरॉय। कह दीजिए कि आप नहीं जानते उसको। किसने भर दिया इतना जहर तुम्हारे अंदर? क्या जानते हो तुम मनीषा के बारे में? क्या जानते हो तुम भैया के बारे में? अगर भैया ने मनीषा से शादी की होती तो तुम लोग अनाथों की तरह पड़े होते। आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? आप चुप क्यों हैं? मैं देना चाहता मैं इसके किसी भी सवाल का जवाब, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं। अगर तुम इन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं तुम्हें इस घर से बेदखल करता हूं। आज के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर गया है, और मैं भी सोच लूंगा कि मेरा कोई भाई नहीं था। राहुल, राहुल जल्दी आओ। भैया, डॉक्टर फोन कर। चलो जल्दी जल्दी जाओ। आप
दादी को। सुनिए सुनिए भैया, मझदार में छोड़कर गए हो मुझे, कैसे संभालूंगी मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां। हमारी तरफ से बेहतरीन फूलों का हार सागर की शोक सभा में भिजवा दीजिए, और हां, सागर की कंपनी के सारे क्लाइंट्स अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दीजिए। उन्हें समझाइए कि सागर की मौत के बाद उसकी कंपनी की जान भी खत्म हो गई है। जायते मृते वा कदाचित् ना भूता न भविता न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप भैया, अपनी खोखली जीत या मेरी हार? मनीषा बोलिए ना, क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप, मेरा खानदान में लगाई हुई आग या उसमें झुलसने में आपके अरमान? मनीषा आप कैसे भाई हैं, आप मुझे कह रहे हैं सेलिब्रेट करने को ये जानते हुए कि मैं सागर से कितना प्यार करती हूं। मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए माफी मांग रही? ऐसा कह के मुझे और शर्मिंदा मत करो भाभी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाभी। भाभी मुझे क्या पता था, मेरी एक सिर्फ मेरी एक गलती भैया को अब सबसे इतना दूर ले जाएगी। भाभी तुम्हारा ये एहसास ही सारी बातों का हल है। लेकिन भाभी इस एहसास से भैया तो वापस नहीं आ सकते ना, भाभी मुझे नहीं पता, भाभी मुझे सच में नहीं पता उस दिन मुझे क्या हो गया था। क्षितिज तुम्हारे भैया को, तुम्हारे भैया को गुजरे दो दिन हो गए, रिया क्यों नहीं आई? भाभी मैं रिया के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि भाभी इस हादसे के जिम्मेदार वही, भाभी मैंने उसे आपके सामने ही कहा था ना कि वो रात को घर ना आए, लेकिन उसने मेरी एक बार बात नहीं मानी। क्षितिज अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहे तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। रिया इस घर की बहू है, उसे यही होना चाहिए। तुम अभी तैयार क्यों नहीं हुए? मैं आप लोग को छोड़कर जाना नहीं चाहता भाभी। राहुल मैं समझ सकती हूँ, तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, तुम्हें हमारी बहुत फिक्र हो रही है, खास करके मेरी। लेकिन सोचो क्या तुम अपने भैया की इच्छा पूरी नहीं करोगे? राहुल मुझे याद है वो दिन जब तुम्हें MBA की एडमिशन मिली थी, तुम कितना खुश हुए थे। अब तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भैया नहीं है? क्या तुम मुझे अपने भैया की जगह नहीं मानते हो? भाभी माँ, भाभी माँ सब कुछ छोड़ कर जा। नहीं रोना बेटे, मैं हम लोग कुछ छोड़ कर जा। राहुल नहीं रोना, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। राहुल सोचो, तुम वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके आओगे तो हमें कितना फख्र होगा, है ना? अपने भैया की तमन्ना पूरी करो बेटे,
ठीक है? जा जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने आ रही हूं। रिया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, ये तो तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा और रोती हुई आंखें ही बता रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। घर नहीं चलोगी? मैं अपने घर में ही तो हूं। शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना ही उसका मायका। शादी के पहले या बाद लड़की का घर वही होता है जहां उसकी इज्जत हो। जिस तरह पत्नी की इज्जत पति होता है, उसी तरह पति की भी इज्जत पत्नी होती है। ये बात आप क्षितिज को क्यों नहीं समझाती? रिया तभी उस घर में जाएगी जब क्षितिज खुद उसे लेने आएगा। क्या मैं जान सकती हूँ ये फैसला तुमने क्यों किया है? क्योंकि क्षितिज की वजह से ही मेरी बेइज्जती हुई थी। और अपनों के डांटने को बेइज्जती नहीं कहते हैं। खैर, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो फिर सोनिया, क्षितिज, रिया को उसका हक दो। रिया, घर चलो। घर चलो रिया। कम ऑन रिया, घर चलो। I hate you. Excuse me, लेकिन आप दोनों के अलावा इस कमरे में दो बड़े और एक छोटी भी मौजूद है। परिवार के